6 आवर्स नॉन-स्टॉप क्रिकेट बैटिंग बॉल चैलेंज। मजर नाम के गांव में गुरु नाम का एक ब्याज का व्यापारी हुआ करता था। वो गांव में लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देता था। अगर किसी का व्यापार अच्छा चल रहा होता तो उनके ऊपर अपनी नजर डालकर कारोबार को हड़पने की कोशिश करता था। एक दिन वो गांव में मौजूद राहुल कोचिंग सेंटर पर गया। वहां बहुत सारे बच्चे क्रिकेट अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। वो देखकर गुरु मन में, हाँ अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, एक एक से कम 3,000 से लेकर 5,000 भी लिए तो राहुल अच्छे से पैसे कमा रहा है। किसी भी तरह मुझे भी इसमें पार्टनरशिप के नाम पर घुसना होगा और फिर इसे हड़पना होगा। यूं सोचा। इतने में राहुल आकर गुरु से पैसे पूछा। तब गुरु, देखो भाई मुझे भी क्रिकेट का बहुत शौक है। बचपन में तो कपड़े भी फट जाते हैं, शरीर पर एक जोड़ा भी नहीं रहता था, इसलिए अब मैं पैसे उधारी में तो नहीं दूंगा, मुझे भी बस छोटा सा पार्टनर बना लो भाई, क्या कहते हो? यूं कहा। तब राहुल, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे कोई मेरा साथ रहा तो हमारे आसपास के सारे बच्चों को यही बुला सकते हैं भैया। तब गुरु, ठीक है भाई कल ही पेपर्स तैयार करवाता हूँ, वही नहीं कोचिंग में भी मैं इन्वॉल्व होकर बच्चों को सिखाता हूँ। क्यों कहा। फिर अगले दिन से कुछ पेपर्स पर राहुल से साइन करवाया। कुछ दिन ऐसे ही अच्छे से बीत गए, लेकिन एक दिन जब राहुल नहीं था तो कोचिंग सेंटर पर आकर गुरु वहां मौजूद बच्चों को उल्टा सीधा कोचिंग देने लगा। वे ठीक से नहीं सुनते तो ये उन्हें सर पर वगैरह मारता भी रहता था। ये राहुल का दोस्त प्रशांत ने देखा। फिर अगले दिन शाम को लौटे राहुल को प्रशांत और बच्चे गुरु के बारे में बताए। वहीं प्रशांत ने गुरु का यूं मानना वगैरह, उसके व्यापार के बारे में सब बताया। तब राहुल, अरे भाई मैंने तो बहुत सारे पेपर्स पर साइन किए हैं, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। यूं कहा प्रशांत, तुम फिक्र मत करो, उसका ये बनाया स्केच है, अब हम रिटर्न स्केच बनाकर उसको सबक सिखाते हैं। यूं कहा। तब दोनों मिलकर गुरु के घर गए। फिर गुरु से राहुल, क्या भाई आप में इतना टैलेंट है, अभी जस्ट प्रशांत और बच्चे बोले कोचिंग बहुत खूब दिए हो, सुना है बच्चे को भी ठिकाने लगा दिया, वे तो आपके कोचिंग के फैंस बन गए हैं, अब लड़ाई कर रहे हैं कि हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन आपको कोचिंग देना है, यूं बोल रहे हैं भाई, लेकिन एक छोटी बात है भाई, ऐसे सीधे कोचिंग नहीं देना चाहिए, क्रिकेट एसोसिएशन से कोचिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए तुम बस एक काम करो 6 घंटे क्रिकेट बैटिंग बॉल चैलेंज करो, आसानी से हो जाएगा फिर तो। यूं कहा। तो गुरु मन में, बेकार चैलेंज, 6 घंटों की तो बात है, आराम से करके दिखा दूंगा, फिर धीरे से कोचिंग करके 2-3 बच्चों को स्टेट देश तक ले जाऊंगा और फिर उनसे करोड़ों रुपए लूंगा, फिर राहुल की ओर देखूंगा क्योंकि वो तो रो रहा होगा। यूं सोचा। फिर अगले दिन से गुरु अपने घर के पास बैट से बॉल को बाउंस करने की प्रैक्टिस करने लगा। ऐसे करते वक्त वो बॉल गिरते जा रही थी, वो कुछ नहीं कर सका। कोचिंग के पास ही आकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऐसे कुछ महीने प्रैक्टिस करके कम से कम 15 मिनट भी वो बॉल नीचे गिराए बगैर रोक नहीं पाया। एक दिन गुरु के पास राहुल आया। अब राहुल से गुरु, अरे राहुल ये क्या टॉर्चर है भाई, 6 घंटे ऐसे करना होगा, हे भगवान ये कोच की नौकरी नहीं चाहिए भाई, रोक दो भाई मेरे हाथों की उंगलियां नीचे गिर रही हैं। यूं कहा राहुल, भाई बच्चे आपकी कोचिंग ही चाहिए यूं बोल रहे हैं, उनका मुंह तो देखो उस दिन जैसे आप मारे वो कैसे भूल सकते हो, उस दिन से वे लोग अच्छे से क्रिकेट खेल पाए यूं बोल रहे हैं भाई, प्लीज भाई मुझे और ये बच्चों के साथ अन्याय मत करो, आप कोच बन जाओ प्लीज भाई। यूं कहा गुरु, बंद करो, क्या करो इन बच्चों का हाथ टूट रहे हैं, मैं अब से यहाँ नहीं आऊँगा, देखो ये पैसे भी तुम्हारे पास जब है तब धीरे से लौटा देना, लेकिन मुझे यहाँ मत बुलाओ, कहकर वहाँ से चले गया। वो देखकर राहुल प्रशांत दोनों हंसने लगे। बैम्बू ब्रिज मिनी मोटर बाइक रेस। पहाड़ घाट नाम के गांव में एक नदी बहती थी।
उस गांव में कोई पुल नहीं था तो लोग नदी को पार करने के लिए नाव में जाते थे। एक दिन उस गांव का मुखिया प्यारे लाल अपने मुंशी रामनाथ से, मुझसे ये गांव वालों की परेशानी देखी नहीं जाती। कई बार सरकार को मैंने खत लिखा है लेकिन पुल की मंजूरी नहीं मिली। इसलिए मैंने फैसला किया है कि खुद के पैसों से मैं नदी के ऊपर एक बांस का पुल बनवाऊंगा। मुंशी जी, आप इसके लिए सारा प्रबंध करो। यूं कुछ ही दिनों में उस नदी के ऊपर एक बैम्बू ब्रिज बनकर तैयार हुआ। उस पुल को देखकर प्यारे लाल रामनाथ से, शुक्र है अपनी मुसीबत कुछ तो कम हुई। अरे हाँ, गांव वालों से कहना कि इस पुल के ऊपर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, लोग सिर्फ इस पर पैदल जा सकते हैं, समझे? रामनाथ ने ठीक है कहा। उस दिन से लोग खुशी खुशी पैदल जाते हुए उस पुल के ऊपर से नदी पार करने लगे। उसी गांव में तीन मस्तीखोर लड़के रहते थे, अजय, विजय और संजय। वो तीनों धनवानों के बेटे थे। एक दिन अजय विजय और संजय से, यार जानते हो आज का शर्त क्या है? हम बाइक रेस लगाएंगे। अपने गांव के मंदिर से ये रेस शुरू होगा। सारे गांव का चक्कर लगाकर फिर हमें मंदिर पहुंचना होगा। इस रेस को जो जीतेगा, हारने वाले उसे 10,000 रुपए देंगे। बोलो मंजूर है? उन दोनों ने ठीक है कहा। यूं उन तीनों के बीच में बाइक रेस शुरू हुआ। वो काफी तेजी से जाने लगे। वो कीचड़ के ऊपर से बाइक चलाने लगे। वहां से गुजर रहे लोगों पर वो कीचड़ की छींटे पड़ने लगी। एक आदमी अपने साइकिल पर अंडे लेकर जा रहा था और विजय जाकर उसे सीधा टकराया। यूं वे गांव भर में हंगामा मचाते हुए जाने लगे। एक दिन प्यारे लाल ने उन तीनों को बुलाया। तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है? अरे तुम लोग नौजवान हो, गांव की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम हो कि लोगों को परेशान कर रहे हो। तुम तीनों के मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं। धनवान होने के घमंड में तुम जो जी में आया करते हो। ऐसा रहा तो चुप नहीं रहेंगे, खबरदार। आप चुप नहीं रहोगे तो क्या कर लोगे? जानते हो मेरे पिताजी के पास कितने पैसे हैं? हमारा जो जी में आएगा हम करेंगे, देखते हैं क्या कर लोगे। अरे इससे क्या बात करना है, चलो यार चलते हैं। यूं तीनों प्यारे लाल की बात ना सुनकर वहां से चले गए। अगले दिन तीनों एक जगह जा मिले। यार वो प्यारे लाल हमें धमकी देता है, इसलिए आज हम उस बैम्बू ब्रिज पर ही रेस लगाएंगे, देखते हैं वो क्या उखाड़ लेगा। बैम्बू ब्रिज के ऊपर से? यार वहाँ तो रूल है ना कि वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। इसीलिए मैंने एक बात सोचा है, हम बच्चों के मिनी बाइक में बैठकर रेस लगाएंगे। रूल के हिसाब से उन्होंने जो लिस्ट दिया है उसमें मिनी बाइक नहीं है ना, इसीलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे वाह, कमाल का आइडिया है यार, हमें भी मजा आएगा। वे तीनों तीन मिनी बाइक में बैठकर बैम्बू ब्रिज के पास गए। उन्होंने उस ब्रिज में रेस लगाना शुरू किया। वो उस बैम्बू ब्रिज के ऊपर अपने अपने मिनी बाइक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने लगे। यूं उनके कई बार जाने के बाद एकदम से वो पुल टूट कर गिर गया। वो तीनों अपने अपने बाइक के साथ नदी में जा गिरे। उन तीनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगे। तभी दो व्यक्तियों ने पानी में छलांग लगाया और उन्हें बचाया। बाद में प्यारे लाल ने उन तीनों के माँ बाप को बुलाया। देखिए गांव वाले आपसे बहुत नाराज हैं, मैंने ही उन्हें रोक रखा है, वरना वो आपके घर तक आते और आपके घर का सत्यानाश कर जाते। इसीलिए मैं आपको एक सजा देता हूँ। आप लोगों ने अपने बच्चों को काबू में नहीं रखा और गांव वालों का नुकसान किया, इसलिए आप अपने पैसों से नदी के ऊपर एक कॉन्क्रीट ब्रिज बनवाएंगे, वरना आप इस गाँव में नहीं रह सकते, समझे? वे तीनों लाचार होकर मान गए। उन तीनों ने मिलकर बहुत जल्द उस नदी के ऊपर एक अच्छा पुल बनवाया। बेटा अपने दोस्तों से जाकर कह दो, यूं बेकार की हरकतें की तो घर से बाहर निकाल देंगे। देखा तुम लोगों की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। अब से तुम तीनों काम करोगे और पैसे कमाकर उस नुकसान का भरपाई करोगे, समझे? अजय ने ठीक है कहकर सिर झुका लिया।